आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि IUCN के मुताबिक जब कोई टैक्सोन एक्सटिंक्शन का एक्सट्रीमली हाई रिस्क फेस कर रहा है इमीडिएट फ्यूचर में या नियर फ्यूचर में, तो इसे हम क्या कह सकते हैं। अब IUCN एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नाम से भी जानते हैं, और ये स्पीशीज की एक लिस्ट बनाती है या एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंटरी बनाती है जिसे रेड लिस्ट कहा जाता है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी लॉस के डेटा को ये कंसिडर करते हैं और देखा जाता है कि कौन सी स्पीशीज को कितनी तेजी से पॉपुलेशन में डिक्लाइन आ रहा है और आगे जाकर ये एक्सटिंक्शन का या अर्थ से डिसअपियर होने का थ्रेट कितनी जल्दी फेस कर सकते हैं। तो कई कैटेगरीज में इन स्पीशीज को डिवाइड किया गया है ताकि इनका स्टेटस हम देख पाए। और इन कैटेगरीज की अगर हम बात करते हैं तो गिवन ऑप्शंस में से सबसे पहले हमारे पास वल्नरेबल कैटेगरी आ जाती है। ये ऐसी स्पीशीज होती हैं जो नियर फ्यूचर में एंडेंजर्ड हो सकती हैं, या फिर ऐसी कैटेगरी ये है जो अगर फर्दर डिक्लाइन आए तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में पहुंच जाएगी। और एंडेंजर्ड का मतलब है ऐसी स्पीशीज जो नियर फ्यूचर में या इमीडिएट फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकती है या डिसअपियर हो सकती है। इसके बाद में क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जैसे हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है, एंडेंजर्ड स्पीशीज के भी आगे की कैटेगरी है जिनकी पॉपुलेशन बहुत ही डिक्लाइन रह जाती है और बहुत ही कम इंडिविजुअल्स इसके प्रेजेंट होते हैं, यानी इसका एक्सटिंक्ट होने का बहुत ही लाइकली होता है चांस, तो उसे हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहते हैं। और एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड तब कहते हैं जब वाइल्ड में हमें इसका कोई भी इंडिविजुअल नहीं मिलता लेकिन किसी जूलॉजिकल पार्क में, बोटानिकल गार्डन में, या कह सकते हैं कि ह्यूमन केयर में इसके स्पेसिमेंस हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, यानी पूरी तरह से डिसअपियर नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा था, जो नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्शन का बहुत ही हाई रिस्क फेस कर रही है उस स्पीशीज को क्या कहेंगे। तो इसमें एक्सटिंक्ट का तो कैटेगरी हम लेंगे नहीं, लेकिन वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड में से सबसे ज्यादा जो थ्रेट फेस कर रही है वो कौन सी कैटेगरी होती है, जो एक्सटिंक्ट कैटेगरी के पास होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज ऐसी है जिसके बहुत ही कम इंडिविजुअल्स बचे हैं और नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होने का या डिसअपियर होने का चांस बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी मार्क कर देंगे। इसका एग्जाम्पल हमारे पास अगर हम ले तो रेड वुल्फ जैसे कुछ एनिमल्स कॉमनली हो जाते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।